अरे आयरन मैन, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हें तो पता ही है मेरे भाई पिंक हल्क का बर्थडे आने वाला है और मैं उसको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ जो उसको अच्छा लगे। तो तुम मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट बताना जो मैं अपने भाई को दे सकूँ। अरे मुझे क्या पता तेरे भाई को क्या पसंद आएगा, तू उसका भाई है, तुझे पता होना चाहिए ना। वैसे भी तुम हल्क में किसी के पास दिमाग तो है नहीं, एक काम कर कहीं से ला के दिमाग दे दे उसको। अभी मुझे परेशान मत कर, मुझे जाना है कहीं पे काम से, चल बाय बाय। आयरन मैन मेरी कभी मदद नहीं करता, अभी लगता है और किसी को बुलाना पड़ेगा मेरी मदद करने के लिए। मेरे भाई का बर्थडे इस बार का सबसे खतरनाक बर्थडे होगा। एक काम करता हूँ, थॉर को बुलाता हूँ। थॉर मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। थॉर जल्दी से एवेंजर्स हाउस आओ, मुझे तुमसे काम है। अरे ये ग्रीन गेंडा, जब देखो जब मुझे बुलाता रहता है। थॉर ओडिन पुत्र आ चुका है तुम्हारे सामने, बोलो क्या काम है तुम्हें? अरे थॉर, तुम्हें तो पता ही है मेरे पिंक हल्क भाई का बर्थडे आने वाला है, तुम मुझे कुछ गिफ्ट बताओ ना जो कि मैं उसको दे सकूं और उसको अच्छा लगे। तुम एक काम कर सकते हो, तुम उसको एक नया हथौड़ा ला के दे सकते हो। बर्थडे खत्म होने के बाद वो हथौड़ा मैं रख लूंगा। अरे तेरे लिए गिफ्ट नहीं है, मेरे भाई के लिए गिफ्ट है, निकल यहाँ से। जा रहा हूँ, ज्यादा बोलेगा ना मुंह तोड़ दूंगा। अब लगता है और किसी को बुलाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, स्पाइडरमैन को बुलाता हूँ। स्पाइडरमैन जल्दी से एवेंजर्स हाउस आओ। अरे हल्क को क्या हो गया, चलो चलते देखते हैं। जिम भी नहीं करने देते, मस्त बॉडी शॉडी बनानी है पर ये करने नहीं देते कुछ भी। अरे हाँ हल्क बोल यार क्या हो गया। अरे स्पाइडरमैन तुम्हें तो पता ही है। अरे हाँ पता है तेरे पिंक हल्क भाई का बर्थडे और तेरे को गिफ्ट चाहिए, मैं बताऊँ ना? अरे हाँ तुम्हें तो सब पता है, प्लीज कोई गिफ्ट बताओ ना। अरे एक काम करो, उसे पिंक कलर की मस्त सी चड्डी दे दो, उसको मजा आ जाएगा देख के। अरे क्या चड्डी, बर्थडे में चड्डी कौन देता है? अरे मेरे घर वालों ने तो मुझे चड्डी दी थी, बहुत मस्त चड्डी थी। अरे निकल यहाँ से, ये सब के सब पागल है, कोई भी मेरे काम का नहीं है। अब सिर्फ एक ही बंदा है, वो है फ्रैंकलिन, जो कि मेरी मदद कर सकता है। उसको फोन लगा के बुलाता हूँ इधर। अच्छा मैं समझ गया, चल ठीक है मैं अभी आता हूँ। तो गाइस सर, मुझे अभी यार हल्क का फोन आया था, उसने मुझे बताया उसके भाई का बर्थडे, तो उसको एक गिफ्ट डिसाइड करना है। फालतू कामों के लिए मुझे हल्क बुलाता रहता है। चलो अभी फटाफट चलते एवेंजर्स हाउस और बात करते भाई हल्क की क्या सीन है। तो गाइस सर अभी मैं जा रहा हूँ फटाफट से, बस एवेंजर्स हाउस पहुंच गया हूँ। अपने अम्ब्रेला में उड़ते उड़ाते फटाफट से यहाँ पे अपन लैंड कर लेते एवेंजर्स हाउस के ऊपर, और यहाँ पे हम आ चुके क्योंकि हमें हल्क ने बुलाया था। तो फटाफट से चलते हैं हल्क के पास। और हल्क भाई क्या हाल है? अरे मेरे हाल बिल्कुल बढ़िया नहीं है, मेरी एवेंजर्स हाउस में कोई मदद नहीं करता, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। अरे तू टेंशन क्यों लेता है, मैं तेरी मदद करता हूँ ना, अभी बताता हूँ क्या गिफ्ट देते तेरे भाई को। अरे तू बताओ ना क्या गिफ्ट दूँ। तेरा भाई पिंक है ना, तो एक काम करना पिंक चड्डी। अरे क्या पिंक चड्डी, स्पाइडरमैन ने भी वही बोला था, उसको भगा दिया मैंने। अरे पिंक चड्डी नहीं, मैं बोल रहा हूँ पिंक चड्डी तो देना भी मत गलती से भी। अरे हाँ कुछ अच्छा बताओ ना। अरे वो गाड़ियाँ वाड़िया चलाता है क्या? अरे हाँ उसके पास बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, उसको का शौक है। तो एक काम करते ना, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अरे तू बताओ ना, तू उसको यार बहुत सारी नई नई तरह की यार गाड़ियां गिफ्ट कर दे। अरे इतने पैसे नहीं है मेरे पास, सस्ते में का कुछ बताओ कि सस्ते में काम हो जाए। अच्छा सस्ते में, तो एक काम करते ना, जितनी उसके पास गाड़ियां है ना उसको सबको अपग्रेड करा के दे देते, बहुत ही तगड़ा लगेगा। अरे आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, पर अगर मैं उससे गाड़ी मांगूंगा तो वो समझ जाएगा कुछ उसको सरप्राइज मिलने वाला है, तो उसका वो सरप्राइज नहीं रहेगा। अरे हाँ बात तो सही है, पर मेरे पास उसके लिए भी आइडिया है। मैं उसकी सारी की सारी गाड़ियां यार चोरी करके मैं तेरे पास लाके दे दूंगा, और फिर तू उन सबको अपग्रेड करा के फिर उसको बर्थडे के दिन मस्त यार सरप्राइज दे दियो। अरे ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, यही करते हैं। तुम अभी क्या भी जाओ और सारी सारी गाड़ियां चुरा के लेके आओ, हम सब उसको अपग्रेड करके मस्त सरप्राइज देंगे। अरे ठीक है अभी जाता हूँ, सारी सारी गाड़ियां लेके आता हूँ। तो गाइस यार अभी मैं आ चुका हूँ पिंक हल्क के घर पे, यानी जो हल्क का भाई है उसके घर पे, यहाँ पे गाड़ियां चुराने। जितनी उसकी गाड़ी मैं से तो उसने बताया 3 गाड़ी है, तो देखते हैं कौन कौन सी मिलती है। अभी तो मुझे सामने दिख रही है, 1 सेकंड, अभी पिंक हल्क के घर पे सिक्योरिटी गार्ड से कर रहे हैं। अबे ऐसी कौन सी भाई, कौन सा तोप है ये भाई, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से खड़े। चलो कोई बात नहीं, अपन को गाड़ी तो यहाँ से लेके जानी पड़ेगी, पहले मैं देख रहे तो कहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े भाई, तो हर के हर जगह खड़े। मुझे लगता है घर के पीछे वाली साइड से इस गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा, तो अभी मैं पहले चुपचाप से उतर जाता हूँ और इस घास में जाके छुप जाते हैं। मेरे पास वैसे गन तो है ही, अगर किसी ने भी कुछ भी किया तो सीधा उड़ा दूंगा। अभी फटाफट से यहाँ से चलते इस वाली घास में जाके मैं छुप जाता हूँ। और एक काम करते हैं, मेरे पास जो स्मोक्स है ना मैं उसका यूज करता हूँ, पूरे रास्ते में स्मोक करता हूँ, किसी को कुछ देखने भी नहीं वाला। यहाँ पे स्मोक फेंक देते हैं और फटाफट से उस गाड़ी के पास चलते हैं और इसको चुरा के यहाँ से निकलते हैं। इस गाड़ी के अंदर कोई है तो नहीं ना? नहीं, गाड़ी तो खाली है और ये गाड़ी चालू भी है, तो फटाफट से बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और ये पीछे वाले रास्ते से मैं निकलने वाला हूँ इस गाड़ी को लेके। तो गाइस सर अभी मैंने अपनी जो पहली गाड़ी थी पिंक हल्क की, वो तो चुरा लिए, जिसको हमको अपग्रेड कराना है। तो अभी पहले इसको कहीं पे जाके छुपा के आ जाता हूँ, क्योंकि इसी घर में 2 बाकी की गाड़ियां और है। तो अभी मैंने इस गाड़ी को यहाँ पे छुपा दिया, यहाँ पे इसको कोई देख भी नहीं पाएगा इन पाइप्स के
के ऊपर और मैं जाने वाला हूँ अपनी अगली गाड़ी चुराने, तो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस यार, ये वाली गाड़ी चुराने के लिए मैं बहुत ही बढ़िया वाला प्लान बना के आया हूँ। यहाँ पे मैं आया हूँ कि यार बिजनेस मैन बन के और इनको पूरा का पूरा घर खरीदने वाला हूँ, ऐसा मैं इनको बताने वाला हूँ। अरे भैया 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 रुकिए, आप कौन है? पहले उतरिए और आईडी पास दिखाइए आपका। अरे हाँ देखिए देखिए, अरे मैं हूँ यहाँ का सबसे अमीर आदमी, मुझे ये वाला घर खरीदना है और ये मैं इसके डबल पैसे भी दे सकता हूँ, तो मुझे फटाफट से अंदर जान दो और ओनर से बात करने दो। अरे सर सर, चाहिए चाहिए, कोई रो नहीं रोकेगा आपको। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो गाइस अभी अपन चलते फटाफट से अंदर, यहाँ पे अपना सागर सर एंट्री मिल चुकी है। अब इन सबको लग रहा है मैं हूँ बिजनेसमैन, पर इनको क्या पता मैं तो यहाँ पे चोरी करने आया हूँ। इतनी मस्त अपनी गाड़ी लेके आ चुका, फटाफट से यहाँ पे खड़ी कर देते हैं और अंदर चलते हैं। अरे मैं तुम्हारे सर से बात करना चाहता हूँ। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ फटाफट से अंदर, पर मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे पता है इनका पीछे एक बढ़िया सा गैराज है, मुझे वहां पे जाना है। तो फटाफट चलते हैं अपन, चुपचाप यहाँ से पीछे निकल लेते हैं इस वाली गली से, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला, और यहाँ पे अपन ऊपर चढ़ जाते हैं घर के ऊपर, ताकि पूरा ढंग से दिख जाए कहाँ पे वो गाड़ी खड़ी है। फटाफट से देख लेते, कोई मुझे देख ना ले। एक सेकेंड, ये वही गाड़ी है जो कि मुझे चुरानी है। अभी ये क्या गाड़ी है? अभी कोई मिलिट्री विलिट्री गाड़ी लगी भाई, कितनी ज्यादा खतरनाक है ये। अभी ये क्या गाड़ी है? इसको फटाफट से यहाँ से लेके चलते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है मुझे। फटाफट से इसके अंदर अपन बैठ जाते हैं, और इसके अंदर मैं बैठ चुका हूँ, फटाफट इसको बाहर निकालते हैं। और ये गाड़ी सही में बहुत ही ज्यादा मस्त है भाई यार, पिंक हल के पास तो गाड़ी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। अभी इसके आगे से आग भी निकल रही है। अब तो ये तो मैं बिल्कुल मेन गेट से लेके जाऊंगा चुरा के, वो भी है हटो रहे, मैं तुम्हारी गाड़ी चुरा के जरा निकलो ऐसे। और उसके ऊपर आग लग गई भाई, ये गाड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई। मैं ये ग्रीन हाइट को तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला, ये गाड़ी मैं रखने वाला हूँ। मैं उसको बोल दूंगा कि मैंने एक ही गाड़ी चुराई, नहीं मतलब अभी मैं एक और चुराने आऊंगा, मतलब कि मैं बोल दूंगा उसको दो ही गाड़ी मिली और तीसरी गाड़ी मुझे मिली नहीं, और ये जो तीसरी वाली है ये मैं रखूंगा। भाई ये कितनी ज्यादा तगड़ी है, इसके आगे से आग निकल रही है भाई, और क्या चाहिए, मैं इसको अपने घर रख के आता हूँ फटाफट से। तो गाइस अभी मैंने इस गाड़ी को यहाँ पे खड़ी कर दिया अपने घर के सामने, यहाँ पे कोई देखने भी नहीं वाला, और ये गाड़ी तो पक्का मैं ही रखूंगा, इसका कलर वलर चेंज करा दूंगा ताकि कोई देख नहीं पाए। और अपन चलते हैं अपनी यार आखिरी गाड़ी चुराने, जो कि यार अपन को ग्रीन हाइट के लिए चुरानी है। तो अभी मैं आ चुका हूँ बिल्कुल तैयार, हेलमेट मैंने पहन लिया, बाइक मेरी तैयार है यहाँ से फुल स्पीड में खुदाने के लिए अपनी गाड़ी और उस घर में जाने के लिए, क्योंकि अब तो उन्होंने मेरी शक्ल भी देख ली, तो उन्हें पता है कि मैं ही हूँ चोर, तो अब तो कुछ कर नहीं सकते। सीधा अपन एंट्री लेंगे बढ़िया वाली उस घर के अंदर, और वो जो लास्ट गाड़ी है उसको चुराएंगे और हल को देंगे। तो भी फटाफट से चलते यहाँ पे, ये क्या, ये माली खड़ा है, इसको फटाफट से उड़ा देते हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं है? मैंने यार अभी अभी थोड़ी देर पहले चोरी करी और इन्होंने सिक्योरिटी नहीं लगाई अभी तक। और यहाँ पे ये रही वो गाड़ी, और भाई साहब ये मुझे गाड़ी मिल चुकी है, और ये भी कुछ अलग ही तरह की गाड़ी भाई, इधर कांटे वाटे निकल रहे हैं और टायर देखो कितने ज्यादा मोटे। तो एक काम करते हैं, इसको भी मेन गेट से लेके निकलते, क्योंकि अब सिक्योरिटी तो मुझे कहीं पे दिख भी नहीं रही। तो फटाफट से चलते इसको लेके यहाँ से निकलते हैं। अरे भाई ये कितने सारे जने यहाँ पे, अभी सारी सही सिक्योरिटी तो मेन गेट पे खड़ी थी, लगता है इनको पहले से पता था कि मैं मेन गेट से आने वाला हूँ। अबे हटो साइड हटो, अरे भाई मेरी गाड़ी बंद हो गई। अबे गाड़ी चालू हो जाए, क्या हो गया? अबे कौन गोली मारने जा रहा है? रुक जाओ, और वापस चलोगे वापस चलोगे, इसको फटाफट से यहाँ से लेके निकलते हैं। अबे ये तो गाड़ी अटक रही है, अबे कितनी बड़ी गाड़ी है तो अटके जा रही है। अबे हट जाओ ना सामने से, कितनी गोली चलाओगे, इसमें से धुएं निकलने लग गए। अबे इसको फटाफट से निकालना पड़ेगा इस गाड़ी को यहाँ से। हल्क भाई ये रही थी दोनों की दोनों गाड़ी। अरे भाई ये तो तीन तीन गाड़ी थी उसके पास, तो भाई तीसरी मुझे मिली ही नहीं, पता नहीं शायद वो लेके कहीं पे घूम रहा होगा, मुझे दो मिली तो मैं लेके आ गया। चल ठीक है ना, मुझे कहीं काम से जाना है तो मैं चलता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इन दो गाड़ी को अपग्रेड करके उसको मस्त सा गिफ्ट दूंगा। थैंक यू फ्रैंकलिन मेरी मदद करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और हाँ मेरे को बर्थडे में जरूर बुलाइयो। अरे हाँ तुम्हें बर्थडे में जरूर बुलाऊंगा, तुमने मेरी इतनी मदद करी है। अरे हाँ चल ठीक है, मैं मिलता हूँ देर से कल, बाय बाय। तो गाइस आखिरकार मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, और ये रही वो गाड़ी जो कि मैंने अपने घर के अंदर खड़ी करवा दी थी, और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज करवाया ताकि और भी मस्त लगे। अभी मैं इसके अंदर फटाफट से बैठ चुका हूँ, इसको लेके चलते बाहर और आपको दिखाता हूँ कितनी ज्यादा तगड़ी है भाई। इसकी आग तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, मतलब ऐसी गाड़ी आपने अभी तक नहीं देखी होगी। अभी आपको दिखाता हूँ इसको रोड पे लेके जाके कितनी ज्यादा तेज भी चलती है और ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। और हल्क भाई को तो अपन ने चूना लगा ही दिया, उसको लग रहा है कि अब दो ही गाड़ी थी, अपन ने सिर्फ दो ही गाड़ी चुराई, पर उसको पता एक गाड़ी मैंने अपने पास रख ली है। और ये देखो भाई गाड़ी कितना दूर उड़ते हुए गई, उसको बस टच किया और वो उड़ते हुए चली गई बहुत ही ज्यादा दूर। तो ये वाली गाड़ी हो चुकी है मेरी। तो गाइस अगर आपको देखना हो अगला एपिसोड जिसमें यार हम यार पिंक हल्क का बर्थडे मनाने वाले हैं, तो फटाफट से कमेंट में बता दो। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो, और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड करें डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर चैनल फॉलो कर लेना। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।